नहीं पकड़ने छोड़ो भैया थोड़ी लाने थोड़े को थोड़ी लाने थोड़े को ये जो पॉइंट शॉप है ये कुद का है, कुद एरिया में पड़ता है। यहाँ पर जब हमने इनसे बात की तो लोगों को अलग अलग रेट से दिया जा रहा है, यानी कि जो प्रिंट रेट है वो 360 है, वो 380 का दिया जा रहा है। जब हमने बात करने की कोशिश की तो इन्होंने 20 रुपए उसको वापस दे दिए। कोई रेट लिस्ट लगी है? 540 का प्रिंट है और 650 कितना आपने दिया? 650। आप कहाँ से आए हो सर? बाहर से, बिहार से। तो आपसे यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा रहा है तो ये तो गलत है। यो इसके ऊपर MRP लिखा है वो 540 है। नहीं फिर पुराना क्यों बेचा जा रहा है यहाँ पर? जो एक्सपायर हो गया। नहीं सर, आप खुद एक जानकार हो, आप डीलर भी काम करते हो, ठीक है। जो प्रिंट रेट है उसका MRP मुताबिक बेचा करो ना, बिल काटो उनके। देखो बाहर से ये लोग आए हैं हमारे, इनके साथ अगर ऐसा होगा तो गलत है ना। क्या भैया जवाब दो इसके लिए? मैंने प्रिंट जो प्रिंट है वो ही काटा दिया। क्या इसका 650 प्रिंट था सर? 540 प्रिंट है, 650 दिए। ठीक ठीक है। जब हमने इनसे बात की तो इन्होंने बताया कि 650। तो जब हमने बिल का जिक्र किया तो इनसे 625 रुपया काटा गया और बिल भी दिया गया और ये 25 रुपये भी इन्हें वापस दिए गए। 600 कितने? 30 रुपये वापस दिए इन्हें। ये देखिए, ये बाहर के लोगों के साथ अगर इस तरह का कर रहे हैं और जो बाकी लोग हैं तो उनके साथ किस तरह का यहाँ पर व्यापार किया जा रहा है। मैं एक्साइज जो डिपार्टमेंट है उनसे अपील करता हूँ कि आप भी यहाँ का मौके का जायजा लें और यहाँ पर जांच करें कि ये एक्स्ट्रा चार्जेस क्यों लिए जा रहे हैं लोगों से। कि यो खुद में वाइन शॉप का यो ठेका खोला गया है और इसकी पूरी जांच की जाए और लोगों से क्यों एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जा रहे हैं। और जनता से अपील करता हूँ कि कमेंट में अपनी राय जरूर डाले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो एक्साइज जो डिपार्टमेंट है वहां तक ये आवाज पहुंच सके। और मीडिया वन से जुड़े रहिए। संजय ठाकुर खुद से।